नमस्कार, मैं हूँ राजेश्वरी सचदेव। मेरे साथ है डॉक्टर मनीषा मिश्रा। यू आर वॉचिंग चिट चैट ऑन राजलवी। आज श्रृंगार की बात है, मेहंदी की बात है। मेहंदी श्रृंगार का हिस्सा है, लेकिन मेहंदी ठंडी होती है या गर्म? ये आयुर्वेद वाला क्वेश्चन है, ये ठंडा है या ये गर्म? मेहंदी 16 श्रृंगार का पार्ट है, कामसूत्र में मेंशन है। बाल कलर करते हैं और लिपस्टिक की तरह भी उपयोग करते हैं, ऐसा मेंशन है। और मेहंदी होती है ठंडी, ना कि गर्म। थोड़ी सी कषाय, बिटर टेस्ट में है और काफी औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। मेहंदी हम हाथों में लगाते हैं, बालों में लगाते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन मेहंदी एक हर्ब है, हाँ, उसके पत्ते हैं, हाँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसका मतलब कोई दवाई की तरह भी इस्तेमाल होता होगा। आयुर्वेद में मेहंदी का पूरा इस्तेमाल सिर्फ दवाई का है, श्रृंगार का नहीं है। उसको ज्वरहर कहते हैं कि आपको फीवर है तो उसको कम करने के लिए, दाह शामक यानी अगर बर्निंग सेंसेशन है उसको कम करने के लिए, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ठंडा है और बिटर है तो कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट करने के काम आता है, स्वेलिंग दूर करता है। इनफैक्ट अगर आपको थ्रोट पेन है और आप इसके काढ़े से गार्गल कर लें तो पेन कम हो जाता है। मतलब क्या, पत्तों को लेके उबालना है? हाँ, पत्तों को लेके उबालना है। तो कितने पत्ते लिए जाएं, कितने पानी में किया जाए? दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप इसका रस निकाल सकते हैं। आप पत्ते लें, थोड़ा पानी डालें, पीस लें, 5 से 10 ml पी लें तो आपका दाह यानी बर्निंग सेंसेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन वो कम होती है। और अगर आपको गार्गल करना है तो आप मुट्ठी भर पत्ते लें, 1 glass पानी में बॉइल करें और उस काढ़े से गार्गल करें। अच्छा, ये आप इनटेक भी ले सकते हैं इसका, गार्गल तो मतलब हम बाहर निकाल देते हैं, लेकिन क्या मेहंदी खाई भी जाती है? हाँ, मेहंदी का जूस पिया जाता है। इनफैक्ट मेहंदी के फ्लावर्स जो हैं, अगर उसका काढ़ा बनाए तो वो मेध्य यानी मेमोरी को बढ़ाने वाला है। तो मतलब ये बच्चों को दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, बट अंडर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। या क्योंकि ये फूल है और फूल में काफ़ी सारे अच्छे तत्व होते हैं, तो अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है तो आप अपने आप से दे सकते हैं 10 से 20 ml दिन में 2 बार, 5 साल के ऊपर का बच्चा हो तब से। कड़वा होता है? हाँ, सब कुछ कड़वा है। बिटर इसका फेवरेट टेस्ट है, ये रस में बिटर है, तिक्त रसात्मक द्रव्य है तो कड़वा बहुत है। एप्लीकेशन कलर के अलावा और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? कलर के अलावा हमको तो पता है कि हम बालों में लगाते हैं, इसके अलावा व्रण रोपक है यानी कि अगर आपको वुंड्स हैं या चोट लगी है या डेक्यूबिटिस अल्सर है यानी कि जो इंसान बेड पे काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, उसको बेड सोर्स हो गए हैं, उसको हील करने के लिए इसका पेस्ट लगाया जाता है और इसके स्टडीज़ हैं कि वो अच्छा हीलिंग करता है। ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, जहाँ पे कट गया है वहाँ पे आप इसका पेस्ट लगा सकते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है, तो ये वुंड हीलर है और ब्लीडिंग स्टॉप करने वाला है। तो मेहंदी का एक पौधा तो हर एक को लगा लेना चाहिए, फर्स्ट एड। हाँ, एक्चुअली अगर आप गाँव में देखें तो आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंडिंग होती है मेहंदी के पेड़ों से। तो मेहंदी के पत्ते, मेहंदी का फूल और मेहंदी का स्टेम भी यूज होता है? नहीं, नॉट रियली, रूट्स यूज हो सकते हैं, पर ज्यादातर मेहंदी के पत्ते क्योंकि उसमें पिगमेंट होता है, फ्लावर्स क्योंकि उसमें फ्लावोनॉइड्स होते हैं, इन दोनों का उपयोग ज्यादा होता है। और बीज? बीज भी यूज़ कर सकते हैं, बीज एक्चुअली आपको बल्ले हैं, जो भी बीज होता है किसी भी प्लांट का उसमें शक्ति होती है कि कुछ नई चीज़ बना सके। तो अगर आपको कमज़ोरी लग रही है, स्पेशली इफ़ यू आर डायबिटिक एंड यू फीलिंग वेरी वीक, आप मेहंदी के बीज का काढ़ा बना के पी सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मेहंदी को हम हमेशा सिर्फ ये क्यों समझते हैं कि मेहंदी लगाई, अरे शादी है, मेहंदी का फंक्शन है, हम मेहंदी के गीत गाएंगे, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे घर में आंगन में लोग उगाते रहे हैं, तो ये फर्स्ट एड प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतना ये फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि मेहंदी का ज़्यादातर उपयोग कॉस्मेटिक के तौर पे ही होने लगा है पिछले 500-600 सालों में। ये आपने हाथों में लगाया, बालों में लगाया, इट इज़ मोर, इट्स बिकम अ कॉस्मेटिक थिंग। एक और बढ़िया बात है कि मेहंदी केश है तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाती है, बालों को कलर भी देती है, और देयर आर स्टडीज़ विच से कि मेहंदी में एक पिगमेंट है जो कलर देता है जो कि लॉसोन कहते हैं, वो आपके बालों को UVA और UVB दोनों ही सनरेज से प्रोटेक्ट करता है। वन ऑफ द नेचुरल सनस्क्रीन्स इज मेहंदी। बट आई हैव रियलाइज दिस, जब से मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया है मेरा हेयर फॉल बिल्कुल कम हो गया, ना के बराबर है, विच इज़ वंडरफुल। हाँ, मेहंदी इज एक्चुअली गुड फॉर योर स्किन एंड स्कैल्प बोथ एंड स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ। जब मैं केश कहती हूँ, समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हेयर, विच इज़ रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड इम्प्रूविंग हेयर ग्रोथ बोथ। अब
ये मेहंदी को जो काम सूत्र में मेंशन है, काम सूत्र में क्यों मेंशन है? सो मेहंदी का जो पिगमेंट है लॉसन, वो आपको एक कलर देता है जो कि है लाल, और लाल इज समथिंग फॉर अट्रैक्शन, समथिंग फॉर एनर्जी, सूर्य जैसे दमकता हुआ, एंड रेड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. तो शादी जब करते हैं तो योर हॉर्मोन्स आर रेजिंग एंड एवरीथिंग हैज टू बी नाइस एंड सेलिब्रेटरी, तो लाल चीज होती है. पहले आलता लगाया जाता था और उसके बाद मेहंदी रिप्लेस कर गई आलते को, तो हाथ और पैर में बाकायदा मेहंदी सजती है बिकॉज इट इज ब्यूटिफुल इन कलर एंड इट स्मेल्स सो नाइस अट्रैक्टिव. एंड एक नाम है मेहंदी का, मदयंतिका. मेहंदी को आयुर्वेद में मदयंतिका कहते हैं, मद का अंत करने वाली, मद याने इंटॉक्सिकेशन दूर करने वाली. इंटॉक्सिकेशन दूर होता है? एनीबॉडी विल गेट इंटॉक्सिकेटेड लुकिंग एट दोस ब्यूटीफुल हैंड्स. दैट इज इंटॉक्सिकेशन ऑफ लव टू मेहंदी. बट अदरवाइज इफ समथिंग, इफ यू आर किसी नशे में आप हो, तो आप मेहंदी का जूस पी सकते हो, वो दूर करता है. मैंने कहीं उड़ते उड़ते सुना था कि प्रेग्नेंट औरतों को हाथों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेहंदी ठंडी होती है, इनफैक्ट अच्छा होता है. योनि दोषहर है, तो जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, वो मेहंदी का जूस पी सकती हैं, इट हेल्प्स. और आई थिंक यू हैड मेंशन कि किसी को नींद ना आए तो तलों पर मेहंदी लगानी चाहिए. हाँ हाँ, इंसोम्निया का इलाज है मेहंदी. दाह तो कम करती ही है, अगर आप मेहंदी लगा ले तो नींद अच्छी आती है. इनफैक्ट हेडेक हो, जो कि आपको लगता है कि थोड़े एसिड से है, और आप मेहंदी माथे पे लगा लें तो भी आपका हेडेक कम होता है. सब लाल माथा लेकर नहीं घूमेंगे? इतना लाल होता नहीं है, स्ट्रेंजली केराटिन में एब्जॉर्ब तो होता है, बट जितना हाथ और बालों में केराटिन खींच लेता है लॉसन, उतना नॉर्मल स्किन नहीं खींच पाती. आप देखेंगे आपके हाथों में इतनी देर नहीं रहती मेहंदी. तो मतलब अगर किसी के सर बहुत दुखा तो वो मेहंदी का पेस्ट लें और यहाँ लगाएं और सो जाएं. हाँ, और किसी को इंसोम्निया है तो एक ही रात की तो बात है नहीं, 4-5-10 रातें ऐसी, तो हर रात को मेहंदी लगाएं. देखिए, हर रात को अगर आप मेहंदी नहीं लगा सकते तो काफ़ी तेलों में मेहंदी होती है, आप उस तेल की मालिश कर सकते हैं, बालों में भी और तलवों में भी. तो ये थी हमारी हम्बल सी मेहंदी. मेहंदी रचा के रखिए, खूब गीत गाइए और खुश रहिए. और सावन में तो मेहंदी बाकायदा लगती है खूब सारी, जितने सोमवार जितने व्रत हैं उसमें लोग काफ़ी लगाते रहते हैं. तो उस दिन जब मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही थी, मैंने वही मेहंदी ली और अपने हाथ पे लगा ली. अब तो रंग उतर गया है, काफ़ी दिनों का है, लेकिन हाँ मेरी नानी ऐसे करती थी. पता है जब मैं बहुत छोटी थी तो हर हफ्ते के मतलब आई थिंक फ्राइडे या कोई सी एक दिन वो मेहंदी पीसती थी. वहाँ मेहंदी का वो था, छोटा सा पेड़ था सा, मतलब ऐसा सा, और मुझे ही कहती थी जाकर चुन कर लाओ, फिर हम उसे सिर बट्टे पे यूं यूं पीसते थे. फिर मेरी नानी, वो बड़ा मज़ा आता था, वैसे प्यार से लगाती थी. आई मिस माई नानी नाउ. तो मेहंदी की थी खूबियाँ. ये हमारे लिए एक मेडिसिनल प्लांट भी है, श्रृंगार का तो भाग है ही. आप हो सके तो अपने घर के बाहर मेहंदी का एक पौधा लगा लीजिए, जो एक छोटा सा पेड़ भी बन जाएगा. और आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, सो डू राइट इन टू अस ऑन chitchatrajnavi@gmail.com. डॉक्टर साहिबा हैं, ये सवालों के जवाब देती हैं, बाकायदा देती हैं. और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते. जी.